यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल परीक्षा 2023 के अंतिम नतीजों की घोषणा कर दी गई है। आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 2023 के अंतिम नतीजों की घोषणा आज यानी मंगलवार 16 अप्रैल 2024 को की गई। रिजल्ट देखते ही इस परीक्षा में पास हुए परीक्षार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सभी ने परिवारजनों को इस सफलता का श्रेय देते हुए परीक्षा पास करने के टिप्स भी दिए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए परीक्षार्थियों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मेरा नाम अनन्या है, मैं महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से आती हूँ और मेरा ग्रेजुएशन मिरांडा हाउस ज्योग्राफी से हुआ था 2021 में। उसके बाद मैंने 2 साल प्रिपेयर किया यूपीएससी के लिए और ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। यूपीएससी में 8th रैंक के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि नियमितता बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी, कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो 6 घंटे 8 घंटे उसको डेली करें। आप ब्रेक लें बीच में, वो जरूरी है, जैसे 7 दिन में 1 दिन का ब्रेक ले लें, बट मेहनत करते रहें। और अगर बीच में फेलियर आते हैं तो वो आएंगे, दे आर पार्ट ऑफ लाइफ, तो हमको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फेल हुए हैं तो दोबारा उठना पड़ेगा, दोबारा से तैयारी चालू करनी पड़ेगी फिर से, और नियमित रूप से मेहनत करनी पड़ेगी। तो कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस बहुत ज़रूरी है इसमें। मोबाइल माना जाता है कि काफ़ी घातक है पढ़ाई के लिए, लेकिन किस तरह से इसका फ़ायदा यूज़ कर सकते हैं? यूपीएससी की तैयारी में मेनली तो बेसिक बुक्स हैं जिनसे पढ़ना चाहिए, और जो भी हार्ड कॉपी मटेरियल जो मिलता है उससे पढ़ना चाहिए। और हालांकि अब ऑनलाइन क्लासेस और भी जैसे मोबाइल से रिलेटेड रिसोर्सेज हैं, वो भी हेल्पफुल हो गए हैं। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी उनसे मैच करती है कि आपको उनसे फ़ायदा हो रहा है, तो आप उनसे भी करिए। मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं हार्ड कॉपी से पढ़ूं, तो जो कुछ भी मेरे पास होता था मटेरियल, मेरे पास प्रिंटर है, मैं प्रिंट कर लेता था और हार्ड कॉपी से प्रॉपर अंडरलाइन करके पढ़ता था और उसी को वापस रिवाइज करता रहता था। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं? मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप डिटरमाइंड हैं कि आपको बनना ही है, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना है आपको, तो आप मेहनत करिए, करते रहिए, आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जॉब के साथ पढ़ाई करने में मेरे सीनियर्स ने मेरी हेल्प की, मेरे बैचमेट्स ने मेरी हेल्प की, और उन सभी ने कोशिश की कि मैं पढ़ाई भी कर सकूँ और जहाँ मैं काम कर रही हूँ वो भी अच्छे से हो पाए। तो सभी का इसमें सहयोग रहा कि मैं ये कर पाई, मेहनत लगी, वो उसमें मना मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन बिल्कुल बाकी सबका बहुत सहयोग रहा जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुंची हूँ। बहुत सारे लोगों का रहा है, मेरे माता पिता का, मेरी पूरी फैमिली का, मेरे टीचर्स का, मेरे सीनियर्स का भी, सभी का बहुत अहम श्रेय रहा है। सबसे टफ एग्जाम माना जाता है यूपीएससी का, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की थी? आपने कम एज में इसको क्लियर कर लिया है, जो दर्शक देख रहे हों, जो लोग जानना चाहते हों, तो क्या बताएंगे, कैसे प्रिपरेशन की थी, कहाँ कोचिंग की थी, क्या पढ़ाई के बाद आपने सोचा? सर, एग्जाम को एनालाइज किया सबसे पहले तो, पिछले वर्षों के पेपर्स देखे, समझा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उस तरह से फिर पढ़ने की कोशिश की, अपनी गलतियों से भी सीखा। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था, दोस्तों से डिस्कस करता था। जी सर, मैंने कोचिंग ली थी, मैंने जब कॉलेज में 3rd ईयर में था तब मैंने शुरू की थी पढ़ाई। 3 बार आपने कोशिश करी, कई लोग कहें कि हार मान लेते हैं जब उनका 1-2 बार सिलेक्शन, क्या कहेंगे आप? सर, मेरे ख्याल से कुछ लोगों की मजबूरियां भी होती हैं, परंतु अगर दिख रहा है कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है, अगर अपनी गलती समझ आ रही है, तो मेरे ख्याल से कोशिश करनी चाहिए, अच्छा मौका मिलता है। कई लोग 5वीं या 6ठी बार में भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। मैंने ये तो कभी नहीं सोचा था कि टॉप 20 में आऊंगी, हर एस्पिरेंट की तरह यही आशा थी कि बस लिस्ट में नाम आ जाए, तो ये बहुत ही बड़ा मोमेंट है मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी। एक्चुअली ये मेरा 2nd अटेम्प्ट था और मैं तैयारी 2021 से कर रही हूँ, तो अभी 3 साल हो चुके हैं, और चैलेंजिंग रहा है ऑफकोर्स ये पाथ, क्योंकि बहुत आइसोलेशन में रहना होता है, अकेले रहना होता है, सोशल लाइफ पे बहुत सैक्रिफाइस करना होता है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझती हूँ कि फैमिली और फ्रेंड्स ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया इस जर्नी में। एक्चुअली मैं जब तैयारी कर रही थी तो मैंने कभी ये सोच के नहीं चला कि मुझे इतनी ही रैंक चाहिए या इतनी रैंक पानी है। मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि हम सिर्फ हार्डवर्क कर सकते हैं, बाकी रिजल्ट्स ऊपर वाले के हाथ में होते हैं और लक ऊपर वाले का हाथ में होता है, तो टॉप 20 कभी माइंड में नहीं था, वो तो बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा हो गया। तो 2023 अटेम्प्ट का जो पैटर्न था पेपर का, वो थोड़ा डिफरेंट था और इस वजह से सब काफ़ी डर भी गए थे प्रीलिम्स को लेकर के, लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर हम स्टैटिक नॉलेज जो
हमारी अच्छी है और जो बेसिक सोर्सेज हैं वो हमने अच्छे से कवर किए हैं और करंट अफेयर्स भी हमने मोर और लेस किया है, तो आई थिंक कोई मुश्किल नहीं है इस पेपर को निकालना। खुशी तो बहुत है क्योंकि मतलब इट्स अ ड्रीम कम ट्रू ना, मतलब 19 रैंक आना इज लाइक कि आप सर्विस में आईएएस में सबको जाना होता है, तो इट इज समथिंग दैट मेरी सोच से परे है, मतलब व्हाट कैन आई आस्क मोर, मतलब जरूरत से ज़्यादा ही है मिला है। और जहाँ तक बात होती है श्रेय का, तो श्रेय तो एक कलेक्टिव अप्रोच है, मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने, काफ़ी करीब के कुछ दोस्त हैं तो उन लोगों ने भी काफ़ी मदद करी, तो एक कलेक्टिव श्रेय मैं दूंगा सबको जितने भी मेरे क्लोज नियर एंड डियर वंस हैं। ये रैंक हासिल करने के लिए किस तरह की मेहनत आपने की है? मेहनत तो ये कंटिन्यूस मेहनत है और वही साथ में लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है यूपीएससी के एग्ज़ाम में, तो मेहनत तो ऐसा है कि कंसिस्टेंटली मेहनत की थी मैंने, मतलब कंटिन्यूसली पढ़ना होता है, प्रोसेस ही ऐसा है कि आपको पढ़ना ही पड़ता है, तो एट द एंड सारे फैक्टर्स अलाइन होके एंड देन फाइनली रिजल्ट आया तो अच्छा लगा। क्या आपका सपना है देश के लिए, क्या करना चाहिए? देश के लिए सपना तो यही है कि अभी जो भी चीज़ें चल रही है कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ पॉजिटिवली, किसी भी सेक्टर में जहाँ पे भी काम करने का मौका मिलता है, बी इट एडुकेशन या फिर हेल्थ केयर, कहीं पे भी जहाँ भी पोस्टिंग होती है, जो भी काम मिलता है, अगर मैं उसमें अपना बेस्ट देता हूँ तो वो मैं समझूंगा कि मैंने जस्टिस किया, तो वही मेरा एम रहेगा मेन। तो बहुत खुशी हुई मुझे रिजल्ट देख के, आई वॉज वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल दैट आई गॉट अ रैंक, आई गॉट अ सर्विस, एंड मुझे इसको हासिल करने में यूपीएससी तो ऐसा एग्जाम है जिसमें मेहनत तो लगती ही है, हर एग्जाम में मेहनत लगती है, तो मैंने यही कोशिश किया कि रोज कंसिस्टेंटली पढ़ाई करूँ 8 से 9 घंटे, फिर मॉक टेस्ट सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी लिए थे कुछ टॉपिक्स कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, तो ये सब मैंने किया था। कितने घंटे की पढ़ाई इसके लिए जरूरी रहती है और टॉपिक्स क्या क्या मेन टॉपिक्स रहते हैं इसके लिए? घंटे तो फिर वो पर्सन टू पर्सन वेरी होते हैं, बट मेरे लिए मैंने ये देखा कि 8 to 9 hours डेली वॉज गुड फॉर मी, एंड एग्जाम के टाइम ये बढ़ जाते थे क्योंकि फिर उस समय ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो